सांप के काटने से किशोरी की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। बांदा जनपद की बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुरोली शुक्ल गांव में 15 वर्षीय किशोरी ने खेत में काम करने गई थी, तभी पैर में जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुरोली शुक्ल गाँव का है, जहाँ की रहने वाली किशोरी खुशबू देवी पुत्री विजयकरण उम्र करीब 15 वर्ष वह धान के खेत पर काम करने के लिए गई थी, तभी पैर में जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे किशोरी की हालत बिगड़ने लगी। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई तो तुरंत बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर द्वारा देखते ही परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसका आज बुधवार को बांदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पर मेडिकल की कार्रवाई करवाई जाएगी। बांदा से संवाददाता विनय सिंह की रिपोर्ट। आप बच्चे को लेके आए थे, क्या हुआ है? इसको सांप चबा लिया था। एक खेत में गई थी धान निराने, अपने निजी के खेत में, तो धान निराने गई थी तो इसको काट लिया। वहाँ से जो है भाग के आई, इसकी माँ भी थी साथ में, लिवा के घर आई, घर में बताया, फिर इसको लेकर के अस्पताल आए और यहाँ आने के बाद जो है मृत घोषित कर दिया। अच्छा, डॉक्टरों ने देखा मृत घोषित कर दिया, तो क्या आप पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो हमको पता चल जाए कि कम से कम इसको हुआ क्या है, सांप ने चबाया है कि और किसी जहरीली कीड़े ने खाया है, क्या किया है।